सलीम भाई, ओ सलीम भाई, हाँ, अपने पास एक आइडिया है। जावेद खान अमरोही, हिंदी सिनेमा के इस बड़े अनोखे चेहरे से आप भी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हालत नहीं, मैंने नाम पूछा है। ये तुम्हारा नाम है? कई फिल्मों में आपने इन्हें तरह तरह के किरदार निभाते हुए देखा होगा। ज्यादातर तो इन्होंने फिल्मों में कॉमिक किरदारों को जिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करियर की शुरुआत में इन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाए थे। पिछले साल यानी 14 फरवरी 2023 को जावेद खान का निधन हो गया था। पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। बॉबी फिल्म में राज कपूर साहब ने यही बताया है। आज किस्सा टीवी पर पेश है हिंदी सिनेमा के धाकड़ कैरेक्टर आर्टिस्ट जावेद खान अमरोही की जिंदगी की कहानी। जावेद खान अमरोही कैसे खेल की दुनिया से एक्टिंग में आए, ये कहानी बड़ी रोचक है। और जावेद खान की यही रोचक कहानी और फिल्मी सफर के बारे में हम और आप जानेंगे। रवि की शादी करा देते हैं, भाभी परेशान करेगी, खुद ही बोलेगा। 12 मार्च 1961 को जावेद खान का जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे और अपने चैरिटी कार्यों के लिए वो अपने इलाके में बेहद मशहूर थे, जबकि इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। जावेद खान बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे और मुंबई के खालसा कॉलेज में ये फेलोशिप होल्डर भी थे। क्रिकेटर बनने के लिए ही जावेद खान ने खालसा कॉलेज में दाखिला लिया था। जावेद अपने कॉलेज के अच्छे क्रिकेटर्स में गिने जाते थे। कॉलेज के दिनों में ही ये मुंबई की टीम के लिए चुने जाने वाले टॉप 36 खिलाड़ियों में से एक थे। इत्तेफाक की बात यह है कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी इन्हीं 36 खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन इसी दौरान वक्त ने एक ऐसी करवट ली जिससे ये फैसला हो गया कि जावेद के नसीब में क्रिकेटर बनना नहीं है। हुआ कुछ है यूं कि जावेद ने जब 12वीं पास की थी उसी दौरान इनके पिता का निधन हो गया था। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले जावेद खान अमरोही के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। फिर एक दिन अचानक खुद जावेद की तबीयत भी खराब हो गई। ये किडनी इन्फेक्शन का शिकार हो गए। इस बीमारी की वजह से इन्हें क्रिकेट भी छोड़ना पड़ गया। नेम प्लीज। वो क्या है? नाम पूछ रहा हूं मैं, नाम। जावेद खान एक्टिंग में कैसे आए ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ है यूं कि जब जावेद को क्रिकेट छोड़ना पड़ा तो ये काफी निराश हो गए थे। इन्हें लगा था कि अब कॉलेज से मिलने वाली फेलोशिप बंद हो जाएगी और इन्हें फीस चुकानी पड़ेगी। जबकि पिता की मौत के बाद से ही जावेद का परिवार आर्थिक संकटों में आ चुका था। एक दिन ये कॉलेज के ग्राउंड से ही अपने मामा जो कि दिल्ली में रहते थे उन्हें उर्दू में खत लिख रहे थे। और जब ये खत लिख रहे थे तभी इनके पास इनके स्पोर्ट्स टीचर आए। इनके वो स्पोर्ट्स टीचर नाटकों में भी काम किया करते थे। उन्होंने जब जावेद को उर्दू में खत लिखते देखा तो पूछा, जावेद तुम ये क्या कर रहे हो? अपने हालातों पर झल्लाए बैठे जावेद ने उन्हें चिढ़कर जवाब दिया और कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? इनके टीचर ने फिर पूछा, बताओ तो सही तुम ये क्या लिख रहे हो? तब जावेद ने उन्हें बताया कि वो अपने मामा को चिट्ठी लिख रहे हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। तब उस स्पोर्ट्स टीचर ने जावेद से बताया कि उनका ग्रुप एक नाटक कर रहा है और उस नाटक में एक पाकिस्तानी सैनिक के किरदार के लिए वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी उर्दू पर अच्छी पकड़ हो। उन्होंने जावेद से ये रोल निभाने की गुजारिश की। इस पर जावेद ने उनसे पूछा कि मुझे फेलोशिप तो मिलेगी ना? उन्होंने कहा, जरूर मिलेगी। तब जावेद ने उस नाटक में काम करने के लिए हामी भरी और इस तरह एक्टिंग की राह पर ये जावेद का पहला कदम बना। ये गाड़ी ना छूटे इसलिए पहले मैं चलता हूँ, आप लोग बाद में आइए। अच्छा चलिए चलिए प्लीज। नाटकों की दुनिया में पहला कदम बढ़ाने के बाद जावेद उसी राह पर चल निकले। पहले नाटक में काम करने के बाद तो उन्होंने और भी कई नाटकों में काम किया। इनकी एक्टिंग भी लोगों को पसंद आने लगी। लोगों से मिलने वाली तारीफ ने जावेद का हौसला खूब बढ़ाया। जावेद की मेहनत देखकर इन्हें यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक्स का चेयरमैन भी बना दिया गया।
इसके साथ ही इन्होंने एक प्रोफेशनल गुजराती नाटक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। इप्टा जैसे देश के कई नाट्य संस्थानों के साथ भी इन्होंने काफी काम किया और इप्टा में तो ये सेक्रेटरी पद पर भी रहे। इसी दौरान मशहूर प्रोड्यूसर रामानंद सागर ने अपने कुछ और प्रोड्यूसर दोस्तों के साथ मिलकर एक एक्टिंग कॉन्टेस्ट शुरू किया ताकि वो नए टैलेंट को तलाश सके। जावेद खान ने भी उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और ये उसमें सिलेक्ट भी हो गए। वहीं पर इनकी मुलाकात अमजद खान साहब से भी हुई जो खुद भी उसी टैलेंट कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हुए थे। इसी कॉन्टेस्ट के दौरान ही इनकी मुलाकात रजा मुराद और किरण कुमार से हुई थी। रजा मुराद और किरण कुमार ने ही इनकी एक्टिंग देखने के बाद इन्हें सलाह दी थी कि तुम्हें अब एक्टिंग की फुल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन दोनों ने जावेद को सलाह दी कि तुम्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। जावेद ने उनकी सलाह मानी और ये चले गए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। वहां से अपना कोर्स पूरा करने के बाद जावेद वापस मुंबई लौटे और एक बार फिर से ये नाटकों की दुनिया में उतर गए। अब तक जावेद खान का मुंबई में काफी नाम हो चुका था। थिएटर जगत के अलावा फिल्म जगत के लोग भी इन्हें अच्छी तरह से जानने पहचानने लगे थे। जावेद खान अमरोही को पहला ब्रेक दिया मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म नूरी में। इस फिल्म में जावेद फौलाद खान नाम के किरदार में नजर आए थे। ये किरदार नेगेटिव था, यानी जावेद इस फिल्म में विलेन बने थे। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नूरी इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म नहीं थी। इनकी पहली रिलीज्ड फिल्म थी 1973 में आई जलते बदन, जिसमें ये कॉलेज स्टूडेंट के एक छोटे से रोल में नजर आए थे। इनका फिल्मी सफर बड़ा शानदार रहा। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स निभाए, मगर अंदाज अपना अपना में इन्होंने जो किरदार निभाया था उसे इनका सबसे यादगार किरदार माना जाता है। वहीं सुपरहिट फिल्म लगान में भी इनके किरदार को बेहद पसंद किया गया था। रामलीला वाले तो नहीं हो, दिवाली से पहले स्टेडियम नहीं मिलेगा, जाओ। अपने फिल्मी करियर में जावेद खान अमरोही ने 150 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए नाखुदा, प्रेम रोग, नरम गरम, पसंद अपनी अपनी, सुन सजना, वो सात दिन, राम तेरी गंगा मैली, फासले, वारिस, गुरु, त्रिदेव, आशिकी, सड़क, बोल राधा बोल, हम हैं राही प्यार के, लाडला, कुली नंबर वन, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेलो ब्रदर, चल मेरे भाई, टॉम डिक एंड हैरी, फिर हेरा फेरी, उमराव जान, चक दे इंडिया और कॉफी हाउस जैसी फिल्मों में। जावेद खान अमरोही की आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2020 में रिलीज हुई सड़क 2। ये भी इत्तेफाक है कि सड़क के प्रीक्वल में भी इन्होंने वही रोल निभाया था जो कि इसके सीक्वल में इन्होंने निभाया। फिल्म चक दे इंडिया में निभाया इनका किरदार भी काफी पसंद किया गया था। जावेद खान अमरोही ने छोटे पर्दे पर भी कई दमदार शोज में काम किया था। इनके प्रमुख टीवी शोज थे ये जो है जिंदगी, नुक्कड़, मिर्जा गालिब और विष्णु पुराण। कोई लड़की बिड़की है क्या दिमाग में जिससे आप उन रवि भैया का शादी वादी करा दे रहे? 14 फरवरी 2023 को 73 साल की उम्र में रेस्पिरेटरी फेलियर के चलते जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। इनके निधन की खबर सुनकर फिल्म जगत में शोक की लहर उठ गई थी। भारतीय सिनेमा में जावेद खान अमरोही जी ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसके लिए किस्सा टीवी उन्हें सैल्यूट करता है और ससम्मान याद भी करता है। जय हिंद।